बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। असद, मैं इस वक्त बिनते फातमा ओल्ड होम में मौजूद हूँ। आज बिनते फातमा ओल्ड होम में जो आप ये देख रहे हैं मेहमान, स्पेशली मैं तो कहूँगा ये बिनते फातमा ओल्ड होम की टीम का अरसा दराज से हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनसे भी तारुफ कराऊंगा, लेकिन आज यहाँ पर आने का मकसद, आज मेरी पहचान पाकिस्तान अवार्ड गोल्ड मेडल जो है वो दिया गया है, जो कि इनके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं ज़िशान इकबाल अवान साहब और अदनान भाई हैं, बाकी इनकी माशाल्लाह पूरी टीम है, उनसे भी जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आप बिस्मिल्लाह कीजिए। तो जी सब माओ की जो है मौजूदगी में जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपसे भी बात करूंगा, आपसे भी बात करूंगा। तो साथ सर्टिफिकेट भी है, वो भी जो है चूँकि ये हमें रिसीव करने जाना था, चूँकि अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जी आपने फरजाना माँ को नहीं सब माओ को दिया है। मैं आपसे कहूँगा आपने सब माओ को स्ट्रॉन्ग किया है, मजबूत किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं तो इनको अवान भाई कहूँगा। सर मुझे बताइएगा कि बिनते फातमा फरजाना माँ को ये अवार्ड माशाल्लाह जो आपने करवाए, गोल्ड मेडल उनको मुंतहब किया, थोड़ा सा बताइएगा अवार्ड के बारे में, और जो प्रेजेंट किया फरजाना माँ को उनके बारे थोड़ा सा बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा अपना नायब बना के। हर इंसान किसी भी अहदे पे फ़ाइज़ है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, किसी भी अहदे पे फ़ाइज़ है, वो अल्लाह ताला के नायब है। अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कि ज़मीन पे निज़ाम चलाएं। तो ये जो काम इस वक्त ये कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, मेरे लिए तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाजों में इनको बयान करूँ। बस मैं यहाँ इतना कहूँगा कि खिदमत से अल्लाह मिलता है और इबादत से जन्नत, और जिसको अल्लाह मिल गया तो उसको सब कुछ मिल गया। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अदनान भाई आप बताइएगा माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, तो आप भी माशाल्लाह लीड कर रहे हैं और बिनते फातमा से बड़ा एक रिश्ता है माशाल्लाह आपका। और मैं आपकी कतर ताल्लुक कर बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह ई कार्ड जो है वो भी आज जो है उसकी शायद यहाँ पर लॉन्चिंग है, सर्मनी है, ओपनिंग इन माओ के हाथों से स्पेशली, थोड़ा सा बताइएगा कार्ड के बारे में भी और क्या बताएंगे आप जी। सबसे पहले तो तमाम माओं को बहुत बहुत सलाम अगेन मेरा। वालेकुम सलाम। तो बचपन से जब मैं सुनता आ रहा था कि यही सुनता था कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, यहाँ तो जन्नतें हैं। तो ये हमारी इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं हो सकती। और सबसे पहले जो जन्नत का जो एक सरदार होता है, जो एक लीडर होता है, माशाल्लाह, वो फरजाना माँ है, और इतनी सारी माओं को लेकर चलना, ये नहीं सिर्फ कराची बल्कि लाहौर इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की ब्रांचें हैं और जहाँ पर इस तरह की माओं को हम सपोर्ट करते हैं। तो मुझे इस बात का फख्र है कि 10 या 11 साल से मैं इस बिनते फातमा ओल्ड होम का एक हिस्सा हूँ, उनका एक पार्ट हूँ, और आज मुझे मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड मेरा विजिट है। और जितना अच्छे अंदाज में जिसमें मेरे सारे दोस्त निशान बलवान, शेर भाई, तारिक अली नादिर, शान अली जी, और डॉक्टर सलमान सिद्दीकी, अच्छा कुछ नहीं हो सकता। रहा गोल्ड मेडल का, तो कुछ लोग होते हैं जो गोल्ड मेडल के पीछे भागते हैं कि हमें गोल्ड मेडल मिल जाए, और कुछ लोग मैम की तरह होते हैं तो गोल्ड मेडल चाहता है कि मैं उनके सीने पे लगूं, जिससे मेरे साथ जस्टिफिकेशन माशाल्लाह। इन सब माओं की तालियां भी जो है वो भी इसकी बिल्कुल बिल्कुल गवाह है। तो बिल्कुल, तो हम इनके गोल्ड मेडल देने के लिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे को मौका दिया, हम अपनी गोल्ड मेडल के साथ जस्टिफाई कर सके, उसके साथ इंसाफ कर सके। और शान इकबाल अमान यहाँ पे खुद आए हैं, खसूसी तौर पे अपने बहुत सारे काम को छोड़ के, उनके साथ जो पूरी टीम है यहाँ पर आई है। लेकिन एक बहाना बन गई है, हमने ई कार्ड शुरू करने जा रहे हैं, और ई कार्ड जो है ये डिजिटल ई कार्ड है जिसके अंदर आप अपने विजिटिंग कार्ड, सबके पास होता है क्योंकि आपने देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गूगल आया, फेसबुक आया, यूट्यूब आया, लेकिन किसी ने ई कार्ड को खाली मतलब ई कार्ड से हमारी जानी छोटी। अच्छा। लेकिन ई कार्ड की वजह से अब हम डिजिटलाइज अपने पूरे कार्ड को, पूरी प्रेजेंटेशन को अच्छे अंदाज में घर बैठे या एक जगह पे बैठे हुए हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज तो हमें इस गोल्ड मेडल के लिए यहाँ पर आना हुआ, और साथ साथ हमने सोचा क्यों ना ई कार्ड का जो इफ्तिताह है, जो बिस्मिल्लाह है, आप तो हम लोगों की माओ की दुआओं में, माशाल्लाह, इन वालदा के ना सरपरस्ती के अंदर माशाल्लाह। तो बिल्कुल जी बिल्कुल, सब जो है इंशाल्लाह ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। तो मेरा ख्याल हम केक कट करें, फिर मैं फरजाना माँ से भी बात करूंगा, फिर कुछ माओ से भी बात करेंगे। आ जाए जी, तो भाई जी इफ्तिताह करते हैं माशाल्लाह ई कार्ड का, जो कि बड़े लोगों को मददगार साबित होगा इंशाल्लाह, लोगों को मिलाने में उनकी जो है, प्लीज़ आप आए ना, सब आए, प्लीज़ आप ज्वाइन करें साथ में, ये सबको मददगार साबित होगा लोगों की आसानियाँ पहुँचाने में, एक जो तलबगार है उसको ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने में उनका डाटा इसके अंदर होगा, और लोग जो है, मैं अदनान भाई सही इसका तारुफ करा रहा हूँ कि लोग इसके जरिए आसानी से पहुंच सकेंगे। जी जी ये नाइफ है इसकी,
तो जी ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सदका जारिया होगी इंशाल्लाह। तो इसके इसके जो मैं कहूँगा इसके जो करता धरता है वो माशाल्लाह नान भाई है। ऐसे ही है नान भाई, ये आपका आइडिया था जो आपने जनरेट किया। तो ले जी बिस्मिल्लाह करें फिर। तो हम इसके लिए जो है कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे, हैप्पी बर्थडे तो नहीं कह सकते। तो चले जी कॉन्ग्रेचुलेशन अदनान भाई आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए जो माशाल्लाह काविश कर रही है लोगों को मिलाने में। और देखें सब माओं की दुआएं इंशाल्लाह आपके साथ हैं और रहेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसका बड़ी बड़ी जजा दें। मुझे बताएं क्या कहेंगे कि माशाल्लाह जिस तरह से, सबसे पहले तो मैं अदनान भाई इनसे मैं माजरत चाहूँगा कि जब ये ऑर्गेनाइज़ किए गए थे अवार्ड तो फरजाना माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से हम ये रिसीव करने नहीं आए जो आपने इज्जत रिस्पेक्ट इन माओ को दी, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये बड़ा पन है जो आप आए और आके ये माशाल्लाह फरजाना माँ को इस अवार्ड से नवाजा। मुझे बताएं क्या कहेंगे स्पेशली ऐसे बेटों के लिए, उन लोगों के लिए कि जो शायद उन लोगों को तलाश कर रहे होते हैं कि जो अवार्ड को नहीं तलाश कर रहे, क्या कहेंगे आप? मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन लफ्ज़ों में इनका शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने मुझे जो इज़्ज़त बख्शी और मेरी इन माओं को जो इज़्ज़त इन्होंने दी घर आके। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि ठीक है नहीं कोई आया तो हमें क्या है, कोई और रिसीव कर ले, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन इन्होंने मुझे इज्जत दी और मेरी माओ को, मेरे घर को इज्जत दी, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। इससे नस्ल का पता चलता है कि ये किन किन माओ के बच्चे हैं जिनको कदर और एहसास है कि माओ की कदर क्या होती है और खिदमत की कदर क्या होती है। तो बस मेरे अंदर से दुआएं निकल रही हैं और ये माएं भी बहुत खुश हो रही हैं ये देख के, मुझे ये जो पहनाया इसको देख के सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी अल्लाह पाक अगला घर आसान करे, वहाँ ये हम सबको और इन सबको इस तरह के हार पहनाए कि वो वाली जो कैफियत होगी वो अलग ही होगी। बस अल्लाह पाक हमें सुरखुरु करे, आमीन, करने की तौफीक दे और अगला, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? जी जी प्लीज प्लीज। पहले हम यहाँ पर अगर हम जो लोगों के कार्ड बनाना शुरू है ऑर्गेनाइजेशन के, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अगर हमने किसी का कार्ड दिखाइए दिखाइए तो ये मैडम हमारी फरजाना माँ का है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी देखें देखें जैसे ये खुला नेट, कोई बात नहीं हम इंतजार करने का तैयार है। अच्छा तो इसमें जो है उनका डाटा आ जाएगा सारा जो वो सर्च करना चाहेंगे? जी जी सब कुछ डाटा आ जाएगा इसके अंदर, पेज खुलेगा इनका, इसके अंदर इनकी गैलरीज, इनके अवार्ड्स, इनके रिवॉर्ड, जैसे ये लोगो देखें, लोगो आ गया इनका, ठीक है। अब ये देखें इनकी प्रोफाइल है, अब ये इनका इसको जरा जी इनका पर्सनल नंबर है, जब ये जिसको पर्सनल नंबर देना चाहेंगी तो ये दे सकते हैं, नहीं तो ये लॉक लगा हुआ होगा खाली, ठीक है। अच्छा, आपके नंबर पे कोई डायल करना चाहे तो सबको बताया आप डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो आपसे कोई बात करना चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेगा, उसको नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है, मैडम का नंबर डायल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही देखें नंबर आ गया 0321। जी जी देख सकते हैं थोड़ा सा, इसी तरीके से अगर कोई एड्रेस पे जाकर क्लिक करेगा तो बिनते फातिमा ओल्ड एज होम, तो ये अदनान भाई ये गूगल पे सब चीजों पे अवेलेबल होगा जहाँ पर लोग आसानी से ढूंढ सकेंगे लोगों को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिनको जरूरत होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये होता है कि बिनते फातिमा की आसानी के लिए और बिनते फातिमा के खुद ब खुद काम करने के लिए इनके लिए भी एक क्लैपिंग होनी। हाँ जी बिल्कुल जी, माओ के लिए जी। फिर मैं दुआएं चाहूंगा कि जी जी हमारे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, हम शुरू करने जरूर जरूर। तो मुझे आप तो माशाल्लाह उम्र पे भी जा रही हैं अभी 8 जनवरी 2024 में, तो जरूर दुआएं कीजिएगा। मुझे बताएं क्या कहेंगे इन बेटों के लिए, ऐसे अच्छे बच्चों के लिए दिल से दुआ निकलेगी, दिल से दुआ देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो आप में से कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा, कुछ कहेंगे फरजाना माँ को जो गोल्ड मेडल दिया गया इनकी तरफ से, कुछ कहेंगे रुबीना आप? जी माशाल्लाह, आप बैठ के बात कर सकते हैं कंफर्टेबल से, हाँ कोई मसला नहीं। जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आप बेटों ने भाइयों ने, लेकिन खुशी से हाँ हाँ आपको मजबूत किया है आप बेटों ने भाइयों ने, फरजाना माँ जी को इतनी इज्जत दी हाँ सबकी वजह से, सबकी वजह से कुछ कहना चाहेंगे? जी जी कि आप लोग कोशिश करें कि फरजाना माँ जी का असद भाई का साथ दें, क्योंकि वाकई में इस काम को संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत चलाना भी बहुत मुश्किल है।
अल्लाह है ना, अल्लाह है ना। देखे ना कितने बेटे साथ हैं, ये देखे जरा कितने माशाल्लाह बेटे साथ हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहेंगी आप इनके लिए, बेटों के लिए स्पेशली जो अवार्ड दिया है। अल्लाह को और तरक्की दे, अल्लाह को और आगे बढ़ाए, तरक्की दे। देखो हमारे लिए, हमारी अम्मी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, इतने अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं, इनसे बढ़ के इनको बच्चों को और दुआ क्या दे। आमीन आमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह आमीन। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस जी मेरी भी आपसे यही गुजारिश है, अपील है, देखिए ऐसे बेटे बनिए स्पेशली कि जो लोगों को ढूंढते हो कि जो कौन लोग हैं जो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, और किस तरह से जो है उनको जाके हमने इज्जत देनी है। आज मैं बहुत मशहूर हूँ, स्पेशली मेरी पहचान पाकिस्तान अवार्ड का, इनके ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज़र का, स्पेशली अदनान भाई का, अल्लाह ताला इनको और इज्जत दे। ये लोगों को इज्जत दे रहे हैं घर घर जाके, अल्लाह इनको इज्जत दे। और इनका जो स्पेशली अदनान जो ई कार्ड है, अल्लाह ताला उसको भी सदका जारिया बन जाए और लोगों की मदद करता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बिनते फातिमा जो कि इंशाल्लाह जनवरी 2024 8 जनवरी इंशाल्लाह जो है वो उम्रे की इंशाल्लाह रवानगी है, बिनते फातिमा कराची लाहौर इस्लामाबाद से 15 माओ के लिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है उसमें भी शामिल होइए, आसानियाँ बांटिए, अल्लाह ताला आपकी राह में भी आसानियाँ देगा इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह जज़ा, एक दफ़ा फिर हमारे लिए नहीं इन बेटों के लिए तालियाँ। जज़ाकअल्लाह 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 खैर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर।